डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, हियर इज फर्स्ट लेसन विच इज अ पोएम गॉड मेड ऑल थिंग्स. एज यू नो दैट ऑलमाइटी गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिक वर्ल्ड. सो हियर इज ए प्रेयर ऑफ हिम. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल्स. जैसा हम जानते हैं कि गॉड हैज मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. ब्राइट मतलब चमकीली और ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, सुंदर. ईश्वर ने सभी चीज़ें चमकीली और सुंदर बनाई हैं. ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल. ग्रेट मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा. सभी प्राणियों को, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों को बड़ा छोटा बनाया है. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल. सभी चीज़ों को वाइज मतलब बुद्धिमानीपूर्वक और वंडरफुल आश्चर्यजनक तरीके से बनाया है. द गॉड मेड देम ऑल. गॉड ने उन सभी को बनाया है. ईच लिटिल फ्लावर. प्रत्येक छोटा फूल जो खिलता है. ईच लिटिल बर्ड्स दैट सिंग्स. प्रत्येक छोटी पक्षी जो गाना गाती है. ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स. वह उनके ग्लोइंग कलर्स को भी बनाए हैं. ही मेड देयर टाइनी विंग्स. वह उनके छोटे पंखों को भी बनाए हैं. स्टूडेंट्स फिर से देख सकते हैं, प्रत्येक फूल जो खुलता है उसको ईश्वर ने बनाया है. प्रत्येक छोटी पक्षी जिनको जो गाना गाती है उसको भी ईश्वर ने बनाया है. ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स. वह उनके ग्लोइंग कलर्स मतलब चमकीले कलर्स को भी बनाए हैं. ही मेड देयर टाइनी विंग्स. वह उनके टाइनी विंग्स जो छोटे पंख हैं उनको भी बनाए हैं. तो पर्पल हेडेड माउंटेन. जो वो पर्पल गुलाबी कलर के जो सिरों वाला जो पर्वत है जिससे नदियाँ निकलती हैं उनको, उसको भी ईश्वर ने ही बनाया है. द मॉर्निंग एंड सनसेट. सुबह और सूर्यास्त दोनों को, जिससे स्काई चमक जाता है उसको भी ईश्वर ने ही बनाया है. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि गॉड ने इस पूरी दुनिया को बनाया है. इसीलिए हमें प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए. सो वी मस्ट प्रे, वी आर्ट प्रे गॉड डेली.